अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की ग्रेवी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बैंगन, 4 टेबलस्पून मूंगफली, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 मीडियम साइज के टमाटर और 1 प्याज और 1 मैजिक मसाला। चलिए बनाते हैं। अब लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे मूंगफली, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मैजिक मसाला, टमाटर। इन सब को डालकर पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। चलिए बैंगन को इस तरह कट कर लेंगे। और थोड़ा नमक लगा देंगे ताकि बैंगन अंदर से फीके ना रहे। चलिए इसी तरह सारे बना लेंगे। गैस पर मैंने पैन रख दिया है, गैस को ऑन करेंगे। पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे। 5 टेबलस्पून जितना तेल मैंने इसमें डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे बैंगन और इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम कर देंगे। अच्छे से चलाते हुए सब तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। चलिए इन्हें एक प्लेट से निकाल लेते हैं। फ्लेम को लो कर देंगे। ये तेल हमारा थोड़ा ज़्यादा है, इसमें से थोड़ा तेल निकाल देंगे। इसमें से थोड़ा तेल मैंने निकाल दिया है। अब इसमें डालेंगे जीरा और कड़ी पत्ता, इसमें डाल देंगे प्याज, फ्लेम हमारा लो है इसे मीडियम कर देंगे। प्याज को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज हल्की सी गुलाबी हो चुकी है, हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गुलाबी रंग आ जाए। अब इसमें डाल देंगे नमक, जो मसाला हमने पीस कर रखा था ये डाल देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डालकर ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं मसाले पके हैं कि नहीं। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे थे, इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे।
बैंगन को डालकर लो फ्लेम पर से 2 से 3 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी बैंगन की सब्जी तैयार है। चलिए गैस को ऑफ करते हैं और इसे बॉल में निकाल दें। ये लीजिए बहुत ही टेस्टी हमारी बैंगन की सब्जी तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।